भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में उनके साथ उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा और उनकी क्यूट सी बेटी वामिका भी नजर आ रही है और वो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि वो वृंदावन पहुंचे हैं, जहां कोहली फैमिली के साथ स्वामी प्रेमानंद जी महाराज आश्रम आशीर्वाद लेने पहुंचे। वीडियो में उनका परिचय क्रिकेटर और वाइफ अनुष्का अभिनेत्री के तौर पर नहीं हुआ और इंट्रोडक्शन कराया जाता है तो स्वामी जी उन्हें उपहार भी भेंट करते हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं विराट कोहली। फिलहाल टीम इंडिया से वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत वो बाहर है और इस समय का कोहली खूब फायदा भी उठा रहे हैं। बता दें, वो नए वर्ष के आगमन पर फैमिली के साथ दुबई में थे और अब वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहे जाने वाले मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं। उन्होंने केवल आश्रम में विजिट किया है बल्कि स्वामी जी से मुलाकात भी की है और वीडियो से ये पता चलता है कि स्वामी जी को विराट और अनुष्का के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी और इस कपल का कोई परिचय किसी ने करवाया था कि कोहली क्रिकेटर है जबकि अनुष्का शर्मा बॉलीवुड में अभिनेत्री है। और इसके बाद ही स्वामी जी आश्रम के ही एक भक्त से अनुष्का को चुनरी और कोहली को माला पहनाने को कहते हैं और इस दौरान बेटी वामिका माँ की गोद में खुशी से उछलती हुई नजर आ रही है। स्वामी जी कहते हैं कि कोई छोटी माला बिटिया को भी पहनाए और उल्लेखनीय है कि कोहली को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी होगी और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया को बताया था कि अभी भी वही क्रिकेट किंग है। और इसके बाद ही हालांकि वो बांग्लादेश दौरे पर बहुत खास नहीं कर सके लेकिन श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे विराट के अलावा रोहित शर्मा के एल राहुल भी टीम में वापसी करेंगे। फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं और देखिए तस्वीर अनुष्का शर्मा, विराट कोहली और उनकी बेटी वामिका की।